अब आइए मेरे दोस्तों, फिर एक बार मऊ की सरजमीन से मैं एक शायर को उठाना चाहता हूँ। दोस्तों हमारे फिरिस्त में इतने खूबसूरत खूबसूरत शोराए इकराम को इनवाइट किया गया है। मैं कंफ्यूज हूँ, कशमकश में हूँ, हैरान हूँ, परेशान हूँ कि शायर को उठाऊं कि शायर को ना उठाऊं। बहरहाल थोड़ा सा नाचीज हिम्मत कर रहा है एक एक को इंतखाब करने की। अगर मैं अपने इंतखाब में कामयाब हो जाता हूँ तो यकीनन ये महफिल कामयाब हो जाएगी। आइए दोस्तों, इस वक्त माहौल बनाने की जरूरत है इस महफिल में। अगर इंजेक्शन कह दो, पावरफुल इंजेक्शन लगाना है, तो मैं जनाबे शहाब नोमानी को आवाज देना चाहता हूँ। इन चंद मिसरों के साथ अभी मैं शहाब साहब को कैद करके आप सबकी इल्मी अदालत में पेश करूंगा कि किस तरह ठहरे रुखे बदरुद्दोजा के सामने। एक मरतबा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। भाई डाइस पर बहुत ही खामोशी है, जब से आया हूँ मैं देख रहा हूँ किसी ने भी सुभान अल्लाह नहीं कहा है। अगर मैं माइक पर बैठ गया और उस पर शोरा इकराम की कसर उतार दिया तो सोच लीजिए मैं यहाँ ना तो कहीं और भी निकाल सकता हूँ। एक मरतबा डाइस पर बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह की किस तरह ठहरे रुखे बदरुद्दोजा के सामने। अरे चांद की क्या हैसियत है मुस्तफा के सामने। अरे सीरते शाहे उमम मालूम करना है जिसे, खोल कर रखे अभी कुरान ला के सामने। सीरते शाहे उमम मालूम करना है जिसे, खोल कर रखे अभी कुरान ला के सामने। आइए दोस्तों, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि नेपाल और बंगाल, उड़ीसा और दीगर सूबों, मुल्कों, शहरों के अंदर जिस शायर ने सफर किया है, कामयाबी की मंजिल तय की है, दोस्तों इस वक्त गंगोली की सरजमीन की मुशायरे की कामयाबी की जमानत बनने जा रहे हैं। जनाबे शहाब नोमानी से मैं इस वक्त दस्तबस्ता गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाइए और अपने नातिया शायरी से हम सामईन को नवाजिए। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपके दियारे मोहब्बत में बारहा हाजिरी होती गंगोली में। बेहद शुक्र गुजार हूँ बड़े भाई फारूक आजम साहब का और जितने भी सामईन हजरात हैं। आइए वही एक मतला हाजिर करता हूँ अहले गंगोली के हवाले, और जितने भी सामईन हजरात खड़े उनसे गुजारिश करता हूँ कि बैठ जाए तो बहुत अच्छा होगा। सभी लोग बैठ जाए, जहाँ आए वहीं पे बैठ जाए। पेश करता हूँ बतौर खास मुलाहजा करें मेरे बहुत ही अजीज करम फरमा सैफ असलम साहब प्रधान जी और परवेज अख्तर साहब आज की सदारत कर रहे, नईम सिद्दीकी साहब, सबकी दुआएं लेते हुए अहले गंगोली के हवाले एक मतला हाजिर करता हूं बतौर खास मुलाहजा करें। सैफ भाई सुनिएगा। इस महफिल में बैठे हैं सब, पेश करता हूँ अगले मिसरे पर जुड़िए गायले गंगोली वालों बतौर खास और माइक वाले भाई से गुजारिश है बेस कम करके ट्रेबल बढ़ाएं। इस महफिल में बैठे हैं सब, प्यार की एक निशानी है। इस महफिल में बैठे गए सब, प्यार की एक निशानी है, प्यार की एक निशानी है। जुड़िएगा अगले मिसरे पे। इस महफिल में बैठे गए सब, इस महफिल में बैठे गए सब, प्यार की एक निशानी है। बच्चा 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 गंगोली का सच्चा हिंदुस्तानी है, सच्चा हिंदुस्तानी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया सैफ असलम प्रधान साहब ने अपनी दुआओं से नवाजा। पेश करता हूँ, दोबारा पेश करूँ एक बार मचल के बोले सुभान अल्लाह बड़े भाई, सुभान अल्लाह बड़े भाई मौलाना ताबिश रेहान साहब, मोहिनुद्दीन आमिर साहब, आजाद साहिल, साजिद हयात, जाहिद जान, अगर जितने भी शोरा इकराम तशरीफ रखते हैं तो आए मांगता हूँ बतौर खास मुलाजा करें। इस महफिल में बैठे गए सब,
प्यार की एक निशानी है। बच्चा 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 गंगोली का सच्चा हिंदुस्तानी है, सच्चा हिंदुस्तानी है। आइए चार में से और पेश करता हूँ। अभी चंद दिनों पहले एक मलहून कुरान की 26 आयतों में तरमीम करने को कह रहा था, उसके हवाले से शेर पेश करता हूँ। अगर अच्छा लग जाए तो अहले गंगोली वालों आपकी दुआएं मांगता हूँ। ये नहीं हर मरतब बस डांट ही देना होगा, ये नहीं हर मरतब बस डांट देना चाहिए, ये नहीं हर मरतब बस डांट देना चाहिए। कब्र में खाती को जिंदा पाट देना चाहिए। अगले मिसरे पर दुआएं मांगता हूँ। नईम सिद्दीकी साहब बतौर खास मुलाजा करें, परवेज अख्तर सैफ असलम भाई बतौर खास मुलाजा करें। कब्र में जी परवेज धन्नू साहब, उनकी दुआएं मिली, पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा करें। कब्र में खाती को जिंदा पाट देना चाहिए, कर रहा तन की तनकीद जो कुरान के आयात पे, उसको फौरन बोटी बोटी काट देना चाहिए, उसको फौरन बोटी बोटी काट देना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पेश करता हूँ बतौर खास मतलब जी सैफ असलम साहब की दुआएं मिली, माशाल्लाह बारहा वो शोरा इकराम को बहुत नवाजते हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे। पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजे एक बिल्कुल नई नाते पाक, पेश करता हूँ मौलाना ताबिश रेहान साहब, मुनिद्दीन आमिर साहब, आप लोग की दुआएं मांगता हूँ। ताबिश भाई बतौर खास मुलाजे करें। आए महबूबे रब, अरे तड़प के बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और मचल के बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आए महबूबे रब ताजदारे अरब, आए महबूबे रब ताजदारे अरब, मरहबा मरहबा क्या से क्या हो गया, मरहबा मरहबा क्या से क्या हो गया। दूर जुल्मत हुई उनकी रहमत हुई, दूर जुल्मत हुई उनकी रहमत हुई, कुफर चिल्ला उठा क्या से क्या हो गया, कुफर चिल्ला उठा क्या से क्या हो गया। यहाँ से बंदा हाजिर करता हूँ, अहले गंगोली की दुआएं मांगता हूँ बतौर खास मुलाजिम करे मिन्हा साहब बतौर खास। बुत जो काबे बुत जो काबे में थे, आज के इस उशारे की मेहमान खुसूसी मोहतरमा सैयदा शादा फातिमा साहब साहिबा, उनकी दुआएं लेते हुए मोहतरमा बतौर खास मुलाहजा करें। बुत जो काबे में थे औंध गिरने लगे, बुत जो काबे में थे औंध गिरने लगे, जितने आतिश कदे थे वो बुझने लगे, जितने आतिश कदे थे वो बुझने लगे। हक की शम्मा जली, हक की शम्मा जली हो गई रोशनी, हक की शम्मा जली हो गई रोशनी, और बातिल मिटा क्या से क्या हो गया,
किया और बातिल मिटा, क्या से क्या हो गया। आखिरी शेर पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा करें, पेश करता हूँ आमिर भाई बतौर खास, जितने भी शोरा इकराम तशरीफ रखते हैं बतौर खास, सैफुल इस्लाम साहब, सैफ असलम साहब प्रधान जी उनकी दुआएं, और मोहतरमा शादाब फातिमा पूर्व कैबिनेट मंत्री उनकी दुआएं, उनका आशीर्वाद मांगता हूँ बतौर खास मुलाजा करें। इरशाद हो कत्ल करने नबी कत्ल करने नबी को चले थे उमर, मेरे आका को कहे मेरे आका को कहे से न होती खबर। कत्ल करने नबी को चले थे उमर, मेरे आका को कहे से न होती खबर। बोले आने तो दो सारे दर खोल दो, बोले आने तो दो सारे दर खोल दो। वो उमर ना रहा क्या से क्या हो गया, वो उमर ना रहा क्या हो गया, वो उमर ना रहा क्या से क्या हो गया। आइए यहाँ से और मुकम्मल नाते पाक पेश करके अपनी जगह लेता हूँ बतौर खास मुलाजा करें। जो बारहा गंगोली वालों ने पसंद की है इस बच्चे को नवाजा है अपनी दुआओं से और मोहब्बतों से। फारूक भाई आपकी दुआएं मोहब्बतें मिले बतौर खास मुलाजा करें। एक फारूक आजम है, एक फारूक दिलकश साहब है, उनकी दुआएं मिल जाए तो बच्चे की जिंदगी संवर जाएगी बतौर खास मुलाजा करें। इरशाद हो जी, बहुत शुक्रिया। हर दौर में रहेगा, हर दौर में रहेगा चर्चा चर्चा मेरे नबी का, हर दौर में रहेगा, हर दौर में रहेगा चर्चा मेरे नबी का, चर्चा मेरे नबी का। कुरान बता रहा है, कुरान बता रहा है रुतबा मेरे नबी का। अल्लाह नारे तकबीर अल्लाह। बहुत शुक्रिया मोहतरमा शादाब फातिमा पूर्व कैबिनेट मंत्री ने अपनी दुआओं से नवाजा, बेहद शुक्रगुजार पेश करता हूँ ताबीज भाई बतौर खास मुलाजा करें। ये शेर अली जनाब मेरे करम फरमा सैफ असलम साहब उनकी दुआएं उनकी मोहब्बतें, नईम सिद्दीकी साहब सुनिएगा बतौर खास। शाने मोहम्मदी का कोई नहीं है सानी, शाने मोहम्मदी का कोई नहीं है सानी, शाने मोहम्मदी शाने मोहम्मदी का कोई नहीं गसानी। रूहुल अमीन चूमा, रूहुल अमीन चूमा, रूहुल अमीन चूमा तलवा मेरे नबी का, रूहुल अमीन चूमा तलवा मेरे नबी का, तलवा मेरे नबी का। आखिरी शेर पेश करता हूँ परवेज उर्फ धन्नू भाई के हवाले बतौर खास मुलाजा करें। जिन्नो बस हर एक मुसलमान को इस्लामी तारीख पढ़ने की जरूरत है, पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा करें। जिन्नो बशर तो क्या है तारीख उठा के देखो, जिन्नो बशर तो क्या है जिन्नो बशर तो क्या गे तारीख उठा के देखो। कंकर ने भी पढ़ा है, कंकर ने भी पढ़ा है कलमा मेरे नबी का, ने भी पढ़ा है। अल्लाह
आखिरी शेर पेश करके अपनी जगह लेता हूँ। बतौर खास मुलाजा करें, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने जहन में रखे और मेरा शेर समाप्त करें। परवेज भाई आपकी दुआएं मोहब्बतें मांगता हूँ। हाथों से तेग छूटी ईमान दिल में जागा, हाथों से तेग छूटी ईमान दिल में जागा। स्टेट से खुसूसी दुआएं मांगता हूँ, बता रहे खास मुलाजा करें। हाथों से तेग छूटी, हाथों से तेग छूटी ईमान दिल में जागा। देखा उमर ने जिस दम, देखा उमर ने जिस दम, जिस दम देखा उमर ने जिस दम चेहरा मेरे नबी का, देखा उमर ने जिस दम, देखा उमर ने जिस दम चेहरा मेरे नबी का। हर दौर में रहेगा चर्चा मेरे नबी का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हलीमा सारे आलम में अजब तेरा मुकद्दर है, तेरी आगोश में खेले पयंबर का पयंबर है। उमर ने ले लिया बोसा ये कहकर हजरे अस्वद का, अरे नबी ने तुझको चूमा है नहीं तो तू भी पत्थर है। नबी ने तुझको चूमा है नहीं तो तू भी पत्थर है। आइए दोस्तों, मैं बता रहा हूँ कि हमारे बीच एक ऐसी अजीमुल मर्तबत शख्सियत मोहतरमा सईदा शादा फातिमा साहब वजीर साबिक उत्तर प्रदेश अपनी गुनागो मसरूफियात और लामतनाही जिम्मेदारियों को तर्क करके आज की इस महफिल को जीनत और जिंदगी बख्शी। मैं इनके लिए इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, इनका वेलकम करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, अहलों व सहलन की सदाएं बुलंद करता हूँ। इनके लिए अंजुमन मोहम्मदिया कमेटी की तरफ से, इस पूरी गंगोली की सरजमीन की तरफ से, अपने शोरा इकराम की तरफ से उनका खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ।